आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सपा बसपा ने गठबंधन का फार्मूला तैयार कर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी, वहीं उन्नाव में कार्यकर्ताओं के बीच की खाई इतनी आसानी से खत्म होती नहीं नजर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन पर सपा पदाधिकारियों ने कार्यक्रम से दूरी बनाई, वहीं कार्यक्रम में पहुंचे गिनती के सपा कार्यकर्ताओं को ही केक खिलाकर औपचारिकताएं पूरी की गयी। जिलों में कोई दूरियां नहीं है, जिलों की दूरियां एकदम से खत्म है। जाना नहीं, आदमी तो दिल मिलने की बात है, तो समाजवादी पार्टी के दिल मिले हैं, लेकिन वहाँ जगह जगह है। और निश्चित तौर पर बाइनर पोस्टर तो वोट लाएगा नहीं, वोट लाएंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बीएसपी कार्यकर्ता और ये दोनों कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी निष्ठा से लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर उन्नाव जनपद में ऐतिहासिक जीत लाने का काम समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। भले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 साल पुरानी रार खत्म करते हुए गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्नाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन होता नहीं नजर आ रहा। मायावती के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर अन्य पदाधिकारियों ने जहां कार्यक्रम से दूरी बनाई, वहीं उन्नाव की राजनीति में दखल देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन भी यहां नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब कार्यकर्ताओं के बीच दिलों का बंधन नहीं जुड़ेगा तो आखिर ये गठबंधन कैसे कामयाब होगा। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।